आप देख रहे हैं आर्भट न्यूज और मैं हूं आपके साथ अर्चना। इस वक्त हम खगौल के न्यू कॉलोनी स्थित गुरुद्वारे में मौजूद है और यहां पे लंगर का आयोजन हो रहा है और यहां पे बता दें कि काफी महिलाएं हैं और कई बच्चे हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। पूरी भी पहले और बहुत अच्छा, मतलब खाना भी बहुत अच्छा था, प्रसाद था बहुत अच्छा था, मत्था टेका हाँ बहुत अच्छा था। तो प्रसाद कैसा था? बहुत अच्छा था, हम लोग पूरी भी पहले और पूरी बिल्कुल बहुत अच्छा लगा। तो हमेशा आती हो? नहीं हमेशा नहीं, फर्स्ट टाइम है, लेकिन बहुत अच्छा लगा। और जो लोग नहीं आए उन्हें क्या कहोगे? उन्हें वो लोग भी आए यहाँ पर, मतलब आए देखे और खाए पूरी बने। सृष्टि कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ सेवा करके, यहाँ पे खाना खा के, यहाँ का लंगर खा के। सेवा भी किया? जी बिल्कुल। मत्था टेका आपने? हाँ जी बिल्कुल टेका। बहुत लोग हैं, उन्हें क्या कहेगा कि यहाँ भी आइए? यहाँ आइए और खाइए, देखिए यहाँ का लंगर इतना बहुत ज्यादा ही टेस्टी रहता है। ऐसे भी कोई भी पूजा के नाम पे अच्छा ही रहता है। नाम बता दीजिए। प्रियंका कुमारी जी। नाम बता दीजिए, क्या हुआ? ज्योति। और लंगर खाया ना, बहुत टेस्टी था। और प्रसाद के नाम पे सबको आना चाहिए और प्रसाद मांग के खाना चाहिए और मत्था भी टेकना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं, लेकिन हम अमृतसर में गए हैं, वहाँ पे थे 2-3 दिन, वहीं पे ठहरे थे। और पटना सिटी में भी हम एक बार गए हैं। क्या लग रहा है? अलग कुछ नहीं है, सब एक जैसा ही है। हाँ क्योंकि वही सेवा वही भावना, तो सब सेम है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं बनारस से हूँ, आर्यन सेट जीविका ज्वेलर्स की तरफ से, और मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ सेवा करने का मौका मिला हमको और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे देखभाल हुआ और जो भी लगा तो सब अच्छा लगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम में आया हूँ और बहुत मन से मैंने सेवा किया और यहाँ पे अच्छे लंगर थे और साफ़ सफाई थे। बाबा जी हम लोग का भी ध्यान दें, हम लोग का भी मनोबल आगे बढ़े, ऐसा सेवा करने का भाव हम लोग का है। और हम युवा पीढ़ी से यही कहना चाहते हैं कि वो भी ऐसा सेवा करें और अच्छा से अच्छा सहयोग दे, जैसे लंगर में आए और यहाँ पे बाबा लोग की नज़र में सेवा करें और भी जनता का सेवा करें और कुछ जो हो सके वो लंगर के में आना, जो गैस हो और चावल हो दाल जो भी इसका हो जैसा हो अपने यहाँ सेवा करें। बहुत बहुत अच्छा लगा, मेरे दिल को सुकून मिला। हम भी वापस ये रिक्वेस्ट करेंगे कभी भी ऐसा हो हमको आने का मौका मिले। और मेरी वाइफ और मिसाली सब लोग आए थे यहाँ पे, हम लोग काफ़ी देर से सेवा कर रहे थे यहाँ पे, सेवा करते करते ना बहुत अच्छा लगा। यहाँ साफ़ सफाई और हर तरीके का सुविधा था और क्या चाहिए। थैंक यू। मैं आर्यन सेठ। तो यहाँ पर गुरुद्वारे में यहाँ गुरु सेवक हैं जो यहाँ पे सब कुछ देखते हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। कितने दिनों से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? यहाँ तो हमारा बचपन बीता है। कुछ भी कोई भी गुरु घर की सेवा हो किसी भी प्रकार की, जिस तरह पाठ के साथ आरंभ होता है गुरु घर की सेवा होती है। कितने लोग आते हैं रोज़? लोग आते हैं 100-200 आदमी डेली आते हैं, बाहर के भी लोग आते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे समाज के ही लोग आए, अन्य समाज के लोग भी आते हैं। अभी ये तो बहुत सालों बाद भीड़ यहाँ देखी जा रही है। कम से कम 25-30 साल पहले यहाँ गुरु का लंगर होता था, लेकिन अब बंद हो गया है। अब बंद हो गया था बीच में, फिर प्रबंधक कमेटी हमारे पटना सिटी द्वारा फिर नया तरीके से संचालित किया जा रहा है। सुरेंद्र सिंह पप्पू। हमारे बीच यहाँ पे कुछ श्रद्धालु भी हैं जो आ रहे हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ जी, अज असी अपने गुरुद्वारे दे विच खगौल दे विच श्री गुरु नानक देव जी का 553वां जन्म उत्सव मना रहे हैं। उस उत्सव दे विच पूरे लंगर चलाया गया, अखंड पाठ खुलिया, उन्हां विच लोकां ने बड़ा सहयोग किया, लोग श्रद्धा पूर्वक मत्था टेकन आए हैं। इस करके जो अज तुसी सारी भीड़ देख रहे हो, ये सब संगतां दे सहयोग नाल ही अज संपन्न होया है जी। तो आप देख
देख सकते हैं कि बच्चियां भी हैं कुछ, उनसे भी जानते हैं कि यहाँ पर आके कैसा लग रहा है। तो किस तरह का लग रहा है यहाँ आके? यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग इसी कॉलोनी के फर्स्ट क्वार्टर में रहते हैं, तो हमेशा आते हैं। हाँ हाँ, हम लोग डेली आते हैं। यहाँ पे क्या लंगर चखा? हाँ, लंगर चखा, बहुत अच्छी लंगर थी। मत्था टेका? हाँ हाँ हाँ। नाम बता दो। आंचल कुमारी। और भी हैं कुछ लोग तो क्या लग रहा? बहुत अच्छा। हर बार आती हैं? हाँ, हमारा यहीं पर है, यहीं हम लोग 3 दिन से यहीं सेवा कर रहे हैं। 3 दिन शुक्र से चाहिए। लंगर की सेवा? हाँ, सब हो गया। मत्था सुबह सब 3 दिन से यही सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने 20-25 साल के बाद फिर से गुरुद्वारे में रौनक हुई है। मेरा जन्म स्थान यही है। हाँ, इसी कॉलोनी में मैं बड़ी हुई हूँ, पैदा हुई हूँ, हर साल आती हूँ। मेरा घर ही यही है, यहीं पे। मेरा नाम अमरजीत कौर हुआ। और भी है, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है, अच्छा सब संगत है। तो घर ही हम लोग का यही घर। वो बड़े वाले दीदी उससे छुट्टी है। हाँ जी, परिवार है सब। हम लोग सब एक परिवार है। तो यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। अभी कुछ लोग आ रहे हैं, तो चलिए अब बात करते हैं। कैसा लग रहा है? कब से आ रहे हैं? बरसों से आ रहे हैं। इस बार क्या अलग लग रहा है हमेशा से? इस बार का ये प्रोग्राम एकदम अलग लग रहा है। जो लोग नहीं जानते इस गुरुद्वारे के बारे में, क्या कहिए? हमको लगता है कि यहाँ एक गुरुद्वारा है जो डेवलपिंग है, और यहाँ लोगों को आना चाहिए। नाम बता दीजिए। AK श्रीवास्तव। कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो यहीं रहते हैं, यहीं। हाँ, यही मैंने बहुत पुराना गुरुद्वारा है, मैंने 1947 से भी पहले का है ये। इस वो मैंने बीच में बंद हो गया था, उसके बाद फिर अभी फिर से कीर्तन मैंने ये आपका मैंने लंगर चालू हुआ उसी व्यवस्था। गुरमीत सिंह। तो देखा आपने, श्रद्धालुओं में काफ़ी आस्था है और काफ़ी सालों से यहाँ लोग आ रहे हैं, और सभी को बोल रहे हैं कि अभी ये डेवलपिंग में चल रहा है। लोग जो हैं, जो नहीं जानते हैं, उन्हें भी यहाँ आना चाहिए। कैसा लग रहा है यहाँ पर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये तो काफ़ी दिन के बाद हुआ है, गैपिंग हुआ है बचपन में यहाँ पर, उसके बाद लंबा गैपिंग हो गया, तो अभी दोबारा से मतलब इस गुरुद्वारे में मेरा है। हर साल नहीं, ये तो काफ़ी दिन गैपिंग हुआ ना। हाँ, उसके बाद हुआ ये। बहुत खुशी मिल रही है कि ये मतलब इतने दिनों के बाद यहाँ गुरुद्वारे का जीर्णोद्धार हुआ, और आगे भी ये होते रहेगा, डेवलप होगा। नाम बता दीजिए। मिंटू नाम हुआ मेरा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशीष कुमार हुआ। मैं यही गुरुद्वारा कैंपस में ही रहता हूँ। लगभग 93-94 में एक बार यहाँ पे गुरुपर्व हुआ था, हम लोग बचपन में थे, लेकिन आज जो यहाँ पे हुआ है बहुत ही हर्ष की बात है, और हम लोग खुद से इसे इस तरह से हतोत्साहित है कि मतलब कुछ बयां नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह का प्रोग्राम होते रहना चाहिए था, ताकि खगोल के गुरुद्वारा का नाम हर आदमी के जवान पे आना चाहिए, क्योंकि खगोल में गुरुद्वारा जी जी तो बहुत लोग यहाँ के बारे में नहीं जानते, तो उन लोगों को क्या कहेगा कि यहाँ पे आइए? ये देखिए, खगोल में रहने के बावजूद बहुत आदमी को पता नहीं था कि खगोल में गुरुद्वारा है, लेकिन आज जो ये प्रोग्राम हुआ इसके कारण बहुत आदमी को भी पता चल गया। जैसे कि 1 से 2, 2 से 3 चैन हो गया, तो चैन के कारण पता चल जाएगा कि खगोल में भी गुरुद्वारा है, और यहाँ पे भी प्रोग्राम होते रहता है। तो अब जो है यहाँ पे प्रकाश पर्व का हमेशा ही मतलब होने का सिचुएशन जो है चांस बनते जा रहा है, और हम लोग इससे बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि और अच्छा हो, और सिटी गुरुद्वारा यहाँ पे और अच्छा करे। थैंक यू। कुछ इस गुरुद्वारे का महत्व है, और काफ़ी ही पुराना यह गुरुद्वारा है। ये खगौल में स्टेशन के पास है, तो अगर आप भी यहाँ मत्था टेकना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो आप इस गुरुद्वारे में आ सकते हैं और गुरु नानक जी का आशीर्वाद ले सकते हैं। आप ये बता दूं कि ये सभी धर्मों के लिए खुला है, कोई भी यहाँ आ सकते हैं, और यहाँ लंगर का जो आयोजन होता है हमेशा यह लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से, लोगों के लिए भोजन भी एक तरह से मुहैया कराया जाता है।
था। तो ये मैं कहूँगी कि बहुत अच्छी पहल है गुरुद्वारे की, जो हमेशा लोगों के लिए यह हमेशा चलाया जाता है। तो फिलहाल के लिए मैं अर्चना आपसे लेती हूँ इजाज़त। अगर आपने हमारे आर्यभट्ट न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को दबा दें और खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें आर्यभट्ट न्यूज़। तब तक के लिए नमस्कार।